हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मेरा बर्थडे। तो आज की इस वीडियो में कोई रेसिपी वगैरह शेयर नहीं करूंगा, आज की इस वीडियो में बर्थडे का जो व्लॉग जो बनाया है मैंने, वही इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो कोई रेसिपी वगैरह बस रेसिपी बनाएंगे, बट केक वगैरह जो बनाएंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा, और उसके अलावा रेसिपी नहीं बना रहे हैं, बस व्लॉग जो है वो शूट कर रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, आज है 6 जून, पर आज मेरा बर्थडे नहीं है, बर्थडे के एक दिन पहले के ही शूट है। तो अब हो रहा है शाम का समय, है शाम के 5 बजे हुए हैं, और यहाँ पे बन रही है हमारी शाम की चाय। तो चाय उबल रही है, और चाय उबलने के बाद इनको हम कप में जो है डाल रहे हैं, और उसके बाद हम एंजॉय करेंगे चाय को। उसके बाद मैं केक पर काम स्टार्ट करूँगा, यानी केक बनाना स्टार्ट करूँगा। तो चाय मैंने डाल दी है, तो चाय वाय पी के एकदम फ्रेश होके, तो आप देख सकते हैं आप भी चाय पी लीजिए। तो मैं फिर से आ गया हूँ किचन में। तो यहाँ पे हमें केक बनाना है, यानी केक का स्पंज बनाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा है रिंग लाइट, तो इसमें मैं कभी भी वीडियो शूट करता रहता हूँ। और यहाँ पे है मेरा ट्रिपॉड स्टैंड, तो इन्हीं दो स्टैंड से और रिंग लाइट से मैं अपनी वीडियो शूट करता हूँ। और तो आप बाहर का मौसम देख सकते हैं, एकदम साफ़ हो रहा है, एकदम क्लियर मौसम हो रहा है बाहर का। तो अब यहाँ पे मैं बनाने स्टार्ट कर दिया है केक का स्पंज। तो मैं यहाँ पे चॉकलेट वाला स्पंज बना रहा हूँ। तो सारे सामान जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं पास में, और इनसे मैं बना रहा हूँ केक। तो केक का बैटर जो है वो मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे इस बैटर को मैं किचन के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगा। और बैटर को ट्रांसफ़र करने के बाद इसको 2 से 3 बार टैप करके इसको हम बेक होने के लिए अवन के अंदर रख देंगे 180 डिग्री पर। लगभग 30 मिनट के लिए इसको हम बेक करेंगे। तो केक जो है हमारा बेक होना स्टार्ट हो गया, वो बेक हो रहा है अवन के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी मम्मी जो है कुछ बर्तन वगैरह धो रही हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा किचन भी दिखा देता हूँ, हमारा किचन कैसा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का हमारा छोटा सा किचन है। ये दाल वाल के डब्बे रखे हुए हैं साइड में, ऊपर अलमारी में, और यहाँ पे कुकर में हमारा शाम का खाना वगैरह बन रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बर्तन वाली अलमारी है। ये डब्बे जो आप देख रहे हैं ये मैंने अमेजोन से ऑनलाइन वगैरह मंगाए थे। और यहाँ पर जो नीचे आप देख सकते हैं हमारा केक बेक होना स्टार्ट हो गया है। और आप देख सकते हैं ये आधा भरा था हमने, और भी फूल गया है। तो अब हो चुकी है 7 जून, यानी आज 7 तारीख है। तो मैं उठ गया हूँ, सुबह की सीन है ये। और अब मैं उठकर आगे का काम करूँगा, जो भी है, फ्रेश फ्रेश होके आगे का जो भी स्टार्ट है केक वगैरह बनाना वो मैं करूँगा स्टार्ट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आगे का। तो यहाँ पे अब मैं क्रीम को है व्हिप कर रहा हूँ। तो लगभग अभी 12 बजे हुए हैं दोपहर के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं केक को डेकोरेट करने के लिए व्हिपिंग क्रीम जो होती है उसको व्हिप कर रहा हूँ। तो क्रीम को अच्छे से व्हिप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 केक के स्पंज बना रखे हैं, एक वनीला वाला और एक चॉकलेट वाला। तो ये वनीला वाला 8 इंच का केक स्पंज है, और ये 6 इंच का है। तो मैं 2 टायर केक बनाने वाला हूँ आज, एक के ऊपर एक लेयर वाला, इस तरह आप देख सकते हैं। तो केक बनाना अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने शुगर सिरप वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया था, और क्रीम वगैरह रेडी करके अब इसको हम केक को डेकोरेट कर रहे हैं इस तरह लेयर के ऊपर लेयर लगाकर। तो पूरे केक को इस तरह कवर करके डेकोरेट कर देंगे। तो पहले केक को हमने रेडी कर लिया है नीचे वाले, यानी वनीला केक को। अब यहाँ पे हम चॉकलेट वाला स्पंज जो है रेडी करेंगे। तो मैंने चॉकलेट पर वनीला फ्रॉस्टिंग लगाई है, और वनीला केक पर चॉकलेट फ्रॉस्टिंग लगाई है। तो अभी यहाँ पे मैंने छोटा वाला केक बड़े वाले केक के ऊपर रख दिया है, इसको अब हम डेकोरेट कर देंगे। तो सब बहुत ही सुंदर केक बनके तैयार हुआ है हमारा, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, 2 टायर केक बनाया है हमारा। तो दोस्तों, केक बनाकर मैंने रेडी कर लिया है, इसको हम अब शाम को कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं केक बहुत ही सुंदर बनके तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी केक बनकर तैयार। तो केक वगैरह मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे बन रही है हमारी कचौड़ियाँ, यहाँ पे मैंने मूंग दाल की कचौड़ियाँ बनाई है। तो आप देख सकते हैं कचौड़ियाँ जो है वो फ्राई हो रही हैं तेल के अंदर। और यहाँ पे हमारा रात का खाना बन रहा है, वाइट वाले जो चने आते हैं उसकी सब्जी बना रहा हूँ, और उसी के साथ में नान होगी। और केक हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे रात का समय हो रहा है, शाम के 8 बजे हुए हैं, और अब हम केक को कट कर रहे हैं।
तो ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह मैंने की नहीं है, बस सिंपली हम केक कट कर रहे हैं और कुछ खाना वगैरह बनाया है। तो यहाँ पर मैं भैया को और मम्मी पापा को केक खिला रहा हूँ। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ या फिर किसी नई वीडियो में।